लॉकडाउन का पालन करके शादी समारोह करते हुए विवाह मास्क लगाकर और सैनिटाइजर करके दूल्हा ने दुल्हन को पहनाया वरमाला। आपको बताते चलें कि इन दिनों कोरोना के कहर से पूरा देश मार झेल रहा है, वहीं आम लोगों में जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। सारे बाजार और मार्केट बंद कर दिए गए। वहीं जिन लोगों की शादी होनी थी उन लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था और हर माह दिन पर दिन लॉकडाउन भी बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने शादी कैंसिल कर दी तो कुछ लोगों ने डीएम से 10 लोगों की परमिशन लेकर शादी करने की ठान ली। ऐसे में कानपुर के शास्त्री नगर काली मटिया मंदिर के पास आशीष और रेणु की शादी हुई, जिनके परिवार वालों ने डीएम और थाने से परमिशन लेकर लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए आए हुए गेस्ट को पहले सैनिटाइजर से हाथ धुलवाए, फिर गेस्ट हाउस में आने की अनुमति दी। और वहीं दूल्हा और दुल्हन ने माले को सैनिटाइजर करके मास्क पहनकर एक दूसरे को वरमाला पहनाया और शादी संपन्न की। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो हमने बहुत कुछ था कि हम बहुत अच्छी शादी करेंगे, परंतु ये कोरोना वायरस ने बहुत सारी परेशानियां उपलब्ध कर रखी है, इसलिए हम लोगों ने बहुत उचित और सिर्फ 20-22 लोग ही मिल के शादी किया हुआ है। दोनों पक्ष से 10-10, 12-12 लोग हैं और बस इसी हिसाब से हम लोग ने ये छोटा मोटा कार्यक्रम करके इसको ऐसे ही निपटाया हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितने लोगों ने पूरा करके किस तरीके से अच्छे से धूमधाम से? नहीं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया हुआ है हम लोग ने, 1-1 मीटर की दूरी में बैठ के ही किया हुआ है। सब लोगों ने मास्क लगाए रखा है, हाथ में दस्ताने भी पहने हुए हैं और पूरी सनराइज भी किया हुआ है, जो आ रहा है वो जा रहा है उसके साथ हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं। और पिछले शादियाँ हो रही, लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि ये कोरोना में आप लोग शादी ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आप लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे और आपके पास बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आप लोग 10-15 लोग मिल के ऐसे ही शादी निपटा सकते हैं। उचित दूरी बनाए रखिए और सनराइज करिए।